दोस्तों DRS लेने के मामले में चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान MS धोनी का कोई सानी नहीं है। उनके सटीक रिव्यू के कारण ही DRS को तो अब लोग धोनी रिव्यू सिस्टम भी कहने लगे हैं। विकेट के पीछे से ही वो मैदान के चारों तरफ कितनी पैनी नजर रखते हैं, इसका उदाहरण तो समय समय पर हमें देखने को मिल ही जाती है। दोस्तों धोनी के DRS लेने का मतलब है बल्लेबाज का पवेलियन लौटना लगभग तय है। IPL 2021 के दूसरे चरण के पहले मैच में मुंबई इंडियंस के खिलाफ मुकाबले में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। अंपायर के नॉट आउट करार देने के बावजूद धोनी के रिव्यू लेते ही मुंबई के बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक ने खुद को आउट मान लिया। ऐसे शायद गिनती के ही मौके होंगे जब धोनी का रिव्यू गलत साबित हो। दरअसल चेन्नई और मुंबई के मुकाबले के तीसरे ओवर में दीपक चाहर की पहली गेंद पर मुंबई के बल्लेबाज डी कॉक चकमा खा गए। गेंद डी कॉक के पैड पर लगी मगर ऑन फील्ड अंपायर ने उन्हें नॉट आउट करार दिया। इसके अगले ही सेकंड में धोनी ने रिव्यू का इशारा कर दिया और उनके इसी इशारे के साथ डी कॉक का पवेलियन लौटना लगभग तय हो गया। थर्ड अंपायर ने भी रिप्ले देखकर डी कॉक को आउट करार दिया और एक बार फिर अंपायर की तुलना में धोनी की नज़र ज्यादा पैनी साबित हुई और अंपायर को भी धोनी के आगे झुकना पड़ा, अपना फैसला बदलना पड़ा। दोस्तों इस मैच में चेन्नई ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई को 157 रन का लक्ष्य दिया था मगर मुंबई की टीम निर्धारित ओवर में 8 विकेट पर 136 रन ही बना सकी और इस मुकाबले में चेन्नई ने रोहित के बिना खेल रही मुंबई को 20 रनों से हरा दिया।